एज यू कैन सी देयर आर सम अदर मिस्टेक। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी रहती है हर्ट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल 60 हर्ट्स दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, सो वो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई, दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ द एफ एक्चुअली, ओके दैट 60 हर्ट्ज। लेकिन फॉर्मुलेज वगैरह जो होते हैं वो ओमेगा को लेकर होते हैं, है ना, जैसे फोर्स। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी दीपक साहू एंड लुक व्हाट आई हैव फाउंड। एक्चुअली इट्स माई मिस्टेक डायरी जिसमें मैंने अपनी सारी सिली मिस्टेक्स लिखी हुई है। सो आज हम इसको देखने वाले हैं ताकि आप भी कुछ सीख सकें, एंड मेरे लिए तो ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक है सच बताऊँ तो। सो लेट्स सी। शो यू माई मिस्टेक डायरी, ओके। सो अगर लेट मी सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने केप वेयर 2019 दिया हुआ था, तो उसमें बायो का क्वेश्चन था सेकेंड फेज में, तो उसमें मैंने गलती की हुई थी कि मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया था, तो उस वजह से मेरे मार्क्स कट हो गए थे, क्योंकि फाइनल आंसर ऑप्शंस में किलोग्राम में देना था और मैंने एक्चुअली आंसर निकाला ग्राम में, बट मैं उसको कन्वर्ट करना भूल गया। सो दैट वाज अ मिस्टेक विच आई हैव नोटेड। मैंने यहाँ पे एम्फसाइज किया हुआ है वेरी क्लियर कट, ताकि मैं ऐसी यूनिट कन्वर्जन की मिस्टेक्स बाद में ना करूँ। मैंने ज़्यादातर जो गलतियाँ की हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, वो रिलेटेड होती हैं या तो फॉर्मूलाज को लेके, या तो फिर मैं क्वेश्चंस को हम अच्छे से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन ऑप्शन की क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है कि हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है, ओके okay? या फिर यूनिट कन्वर्जन को लेके मैंने सबसे ज़्यादा गलती की है। सो यू हैव टू एंसर, आपको नोटिस करना होगा खुद को कि आप किस टाइप की गलतियाँ ज़्यादा करते हो। सो लेट मी शो यू सम मोर मिस्टेक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, ओके okay? बट मैंने एक्चुअली ये लगा के सॉल्व कर दिया था एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो मैंने यहाँ पे क्लियर करके मेंशन किया है कि ये मैंने यूज़ किया ये वाला फॉर्मूला, लेकिन यूज़ ये वाला फॉर्मूला करना चाहिए था। सो आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग माई मिस्टेक कि ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ और आपको सिली मिस्टेक्स देख रही होंगी जो बेसिक मैथमेटिक्स की है, मतलब दिस इज रियली सो फनी कि यार इतनी गलती कोई कैसे कर सकते हैं। वन मोर थिंग यू कैन सी, ये आप याद भी कर सकते हो कि जो मिथिल और आर ग्रुप्स होते हैं वैनजीन के ऊपर लगे होते हैं, तो उनका पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आपको कंसिडर करना होता है। तो एक क्वेश्चन था शायद जिसमें मैंने कंसिडर नहीं किया, तो शायद ऑर्डर सही नहीं आ रहा था। एज यू कैन सी देयर आर सम अदर मिस्टेक। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी रहती है हर्ट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल 60 हर्ट्स दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, सो वो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ द एफ एक्चुअली, ओके दैट 60 हर्ट्ज। लेकिन फॉर्मुलेज वगैरह जो होते हैं वो ओमेगा को लेकर होते हैं, है ना, जैसे फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा उसमें ओमेगा यूज़ हो रहा है, तो उसमें आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी नहीं रखोगे, पहले आप फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके ओमेगा निकालोगे एंड देन आफ्टर आप यूज़ करोगे। सो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड एज यू कैन सी कुछ और चीज़ें भी, जैसे फॉर्मूला को लेके, जैसे के की वैल्यू ओमेगा नॉट नहीं होती, के की वैल्यू ओमेगा नॉट बाय 4। ये मैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे अगर आपने पढ़ा होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप खुद की मिस्टेक डायरी बनाएं और खुद को धीरे धीरे इंप्रूव करें। एंड आई हैव अपलोडेड दिस मिस्टेक डायरी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन, मैं भी देख सकती हूँ और पिन कमेंट भी देख सकते हो। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। एज यू कैन सी देर आर सम अदर मिस्टेक्स। स्क्वायर कॉस 45 का अगर तुम स्क्वायर करते हो तो 1/4 नहीं आएगा, क्योंकि कॉस 45 1/√2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। सो जस्ट कंसिडर इट। मैं मिस्टेक डायरी में पहले अपनी गलती लिखता था कि मैंने क्या गलती की, ओके एंड फिर मैं सही लिखता था कि इसका सही वर्जन क्या है। सो देर आर सम अदर थिंग्स विच वी यू कैन फोकस ऑन। अगर यार मतलब मेरी कुछ जैसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स ये होती थी कि मैं नोटेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन में किस तरीके के नोटेशन यूज़ किए गए हैं, ABCD PQRS, और ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा है और ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेशन करने के बाद आपको करना चाहिए। मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया लग जाए, ओके एंड आप उसे और अच्छे से कर सकें। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मतलब करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो आंसर निकालते हो, जैसे आपने सॉल्व किया कुछ, आपको कुछ आंसर आया, सो वो आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जरूरी नहीं हो, बिकॉज योर आंसर वुड नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक बार चेक करना चाहिए कि ऑप्शन में क्या लिखा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ओके डोंट मार्क इमीजिएटली, मतलब आंसर निकालने के जस्ट बाद ऐसे मार्क करके नहीं भाग जाना चाहिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाग जाओ, ओके आपको एक बार चेक करना चाहिए कि क्या पूछा गया और आपने क्या निकाला है। थैंक यू सो मच गाइस।